स्ट्रेटनिंग करना क्या क्या बोल रहे आपकी 7:30 to 12 होती है, आपका सेकंड थर्ड ईयर की फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स की होती है 12:30 to 5 करके लेक्चर्स होते हैं, वीक में बहुत टायरिंग रहता है, असाइनमेंट्स वगैरह होते हैं, मतलब काम करते रहो एंड टू बी ऑनेस्ट NMIMS काफी ज्यादा हेक्टिक है, प्रेजेंटेशन ICS वगैरह बहुत कंटिन्यूस है, वन ऑफ द मोस्ट हेक्टिक कॉलेजेस में आता है, इसलिए ज्वाइन करने से पहले चीज सोच लेना। मस्ती भी होती है, फन वगैरह भी करते रहते हैं, लेकिन ऐसे बहुत ज्यादा भी जैसे एक्टिविटीज होती है, जैसे मिठी भाई वगैरह कॉलेज है उन्हें बहुत होती है, लेकिन ऐसे ही ठीक है टाइम पास है, थोड़ा बहुत फन होता रहेगा, बाकी मिठी भाई के कुछ फंक्शन वगैरह चलते रहते हैं तो उधर चले जाओ, ट्रेड फेयर हो रहा है नीचे आपका बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे, तो वो अटेंड कर लो, ठीक है। इन शॉर्ट इतना मतलब चिल सीन है थोड़ा, आपको जब असाइनमेंट वगैरह आएंगे तो एक साथ आ जाएंगे, बट जब नहीं है तब ठीक है चिल कर सकते हो, कॉलेज से आओ थोड़ी देर रेस्ट करो 1-2 घंटा, उसके बाद फिर जिम आ जाता है, मेरे साथ तो ऐसा है जिम करता हूँ मैं आपका ऑलमोस्ट 1.5 से 2 आवर्स ले लो। इवनिंग में भैया बीच से अच्छी कोई जगह नहीं है मेरे हॉस्टल से, तो जहाँ मैं रहता हूँ उसके तो काफ़ी पास है, तो भैया बीच तो बहुत ज़्यादा पीस है, एंड टू बी जब भी मैं टेंशन होता है कुछ करने का मन नहीं करता बीच आ जाता हूँ, बहुत पीस मिलता है शाम को भी रात को भी, मैं तो बीच बहुत ज़्यादा आता हूँ रेगुलरली। एंड अगर वीकेंड की बात करूँ मतलब सैटरडे संडे, तो भैया फिर मस्ती भी बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है इधर रहने वाले लोग ऐसा ही मस्ती नहीं करते। मैं बात करूँ तो मैं जनरली सैटरडे आपका मतलब कॉलेज खत्म हो जाता है, उसके बाद मैं मतलब सोमो वगैरह चले जाओ साउथ बॉम्बे कॉलेज वगैरह कवर करता हूँ, बेसिकली जो डिफरेंट बॉम्बे में वीडियोज वगैरह काम कर लेता हूँ, कुछ लोग घूमते हैं सोमो बहुत अच्छी जगह है, सैटरडे तो ऐसे ही चले जाता है, ठीक है अलग कॉलेज के लोग घूमते हैं वो सब करते हैं, रात को पार्टीज वगैरह का सीन होता है, हाउस पार्टीज होती है एंड आपका क्लबिंग वगैरह होती है, बट हाँ मैं सच बताऊँ मरीन ड्राइव पर जो पीस है वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है मरीन ड्राइव और बीच ये दोनों चीज़ मेरे लिए तो फेवरेट है, अगर मुझे आप ऑप्शन दो क्लबिंग वगैरह का या इसका मरीन ड्राइव बीच का मैं वही प्रेफर करूँगा। अब मेरे साथ ऐसा ही कि मैं जाता हूँ वीडियो बनाता हूँ, फिर हॉस्टल है मेरा तो चिल वगैरह करते हैं मस्ती वगैरह करते हैं, हॉस्टल का एक एडवांटेज है, एंड फिर वही सैटरडे नाइट बाहर आप डिनर पर चले जाओ फ्रेंड्स के साथ कैफे डेट्स वगैरह पर जाते हैं लोग, वो तो चलो वीकडेज पर भी जाते हैं दैट्स अ डिफरेंट थिंग, एंड या मतलब शॉपिंग वगैरह करने जा सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन है, जियो वॉल ड्राइव चले गए जैसे मैं जियो वॉल ड्राइव गया था इस वीक, एंड उसके बाद क्लबिंग वगैरह का सीन तो रहता ही है, या फिर आप डिनर पर नॉर्मल चले जाओ, लेकिन हाँ ऐसे ही मतलब इन शॉर्ट संडे और सैटरडे तो बहुत मस्ती होती है, मूवी वगैरह लोग जाते हैं, क्लबिंग का ऐसा सीन है कि भैया पूरा एनवायरमेंट एक ही जगह पहुंच जाता है क्लबिंग के लिए, पार्टी वार्टी वगैरह कम कर दी, अब ज़्यादा जाता नहीं क्लबिंग वगैरह, मैं प्रेफर करता हूँ थोड़ा पीस इन्जॉय करूँ चिल करूँ, इसलिए मैं रेस्टोरेंट्स वगैरह थोड़ा डिनर के लिए या फिर मूवी वगैरह ज़्यादा जाता हूँ, बट हाँ लोग क्लबिंग जाते हैं ऑलमोस्ट लाइक आप मान लो 100% में से 80% लोग जाते हैं, आपका मेरे को हाँ सीलिंग वगैरह जाना सोबो टू बी ऑनस्ट मेरे को बेस्ट लगता है, तो मैं तो वीकेंड पे सोबो जाने का जितना हो सके ट्राई करता हूँ, बाकी कॉन्सर्ट्स वगैरह भी बॉम्बे में बहुत सारे होते रहते हैं, कुछ ना कुछ होता है, लोलापालूज़ा अभी वाइब फेस्टिवल आ रहा है, कोई कॉलेज फेस्ट होता रहता है तो वो भी काफ़ी फन है, मैं उसमें प्रेफर करता हूँ जाना, लेकिन मुझे क्लबिंग से अच्छे कॉन्सर्ट्स वगैरह लगते हैं, तो वही यही सीन है, तो लोग मस्ती करते हैं फन करते हैं पार्टी करते हैं वीकेंड्स में, तो यही है वीक ऐसे निकल जाते हैं, असाइनमेंट्स हो गया वीकडे पे सारे असाइनमेंट्स कॉलेज वगैरह हेक्टिक चलता है, फिर आपका वीकेंड में मस्ती चलती है पार्टी वगैरह चलता है।